नमस्कार दोस्तों, सिख धर्म के गुरुओं को क्रम से याद रखने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, तो पहला और अंतिम का लगभग सभी को याद रहता है। तो यहाँ पर पहला गुरु नानक हैं और अंतिम यानी कि 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। ये तो हमको पता ही है, सामान्य रूप से सभी को पता रहता है। तो आप दूसरा भी अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, गुरु अंगद जो कि दूसरे हैं। और हम तीसरा से लेकर 9वां तक आसानी से बता रहे हैं कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो तीसरा है गुरु अमरदास। तो अमर को देखिए, अमर में तीन अक्षर हैं, तो अ म र, इस तरह से याद रख सकते हैं। उसी तरह से चौथे में रामदास हैं, रामदास, रा म दास, इसमें चार अक्षर हैं, तो ये चौथे हो गए। और पांचवा जो है अर्जुन, अर्जुन देव हैं। अर्जुन में जो है ये हिंदी वाला नहीं बल्कि अंग्रेजी की तरह याद रखें, ARJUN, इसमें पांच अक्षर हैं, अंग्रेजी पर देख लीजिए, ARJUN, पांच है तो पांचवे हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखिए छठवें सातवें आठवें, छठवें सातवें आठवें, हर 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 ये लगा हुआ है, तो छठवें का हो जाएगा हर गोविंद है, तो हर गोविंद का हर निकाल दीजिए, गोविंद, गोविंद का अंग्रेजी देखिए GOVIND, छह अक्षर हो रहा है, तो यानी कि छठवें गुरु हो गए। हर राय, सातवें हैं हर राय, तो हर का निकाल दीजिए, राय ध्यान रखिए, राय मतलब होता है सलाह, सलाह से सात, इस तरह से याद रखते हैं, सलाह से सलाह से सात, या सलाह पर जो सेवन नहीं होता, सलाह का सेवन नहीं होता, राय का सेवन नहीं होता है, तो सेवन सेवन इस तरह से हो जाता है, सामान्य रूप से सेवन कहा जाता है कि जैसे मतलब। ठीक, आठवां किशन, किशन किशन को किस तरह से याद रखें, कृष्ण भगवान आठवीं संतान थे या विष्णु के आठवें आठवें अवतार थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। तेग बहादुर नौवें हैं, तो तेग से तय, तय शब्द है, तय तीन त्रिक का नौ, नौवें इस तरह से याद रख सकते हैं। और दसवां तो आपको जैसा कि पता है गुरु गोविंद सिंह। अगर दसवां और छठवें में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि गुरु गोविंद सिंह है दसवें, गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिंह शब्द लगा हुआ है, जबकि छठवें में गुरु हर गोविंद है, सिंह शब्द नहीं लगा हुआ है, और हर शब्द भी है, तो हर वाला तो निकाल दिए हैं, बाकी अंग्रेजी GOVIND वाला रखे हैं, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।